हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। माइक नीचे रह गया था, ऊपर अब आ गया है। ठीक है, सो गाइस, आज मैं ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा, जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देखा, व्हेन यू थिंक यू आर प्रो एंड दिस हैपेंड। लाइक TH11 का ये एपिसोड है। मेनली मैं आपको टाउन हॉल 11 के अटैक दिखाने वाला हूँ। लास्ट हमारा एक वॉर हुआ था, अभी एक न्यू वॉर स्टार्ट हो चुका है। इट डजंट मैटर, लेट्स गो इनटू द वॉर लॉग एंड जो लास्ट वॉर था हमारा। अब हमारा वॉर यहाँ पर लगा था ग्लेडिएटर्स क्लैन के साथ, काफी सही था यार क्लैन तो। बट गाइस, यहाँ पर स्कोर आप देख सकते हो 57 and 46, एंड यहाँ पे एक दो बैड लग और था, हम ये वॉर 100% कर सकते थे। वो कहाँ पर चूक हुई मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप माई टीम में आऊंगा, यहाँ इन्होंने अटैक नहीं किया, अंडरडॉग ने, एक प्रिंस के दोनों ही अटैक नहीं हुए, ये टाउन हॉल 14 प्लेयर है, एक भी अटैक नहीं किया। एंड यहां पर ये जो तीन अटैक मिस हुए ये ऊपर वाले तीन बेसिस को थ्री करने के चांसेस थे। एंड जो नंबर वन है वो ऑलरेडी मैं अटैक किया था, दिस हैपेंड 99, ये मेरे है टाउन हॉल 14 पे भी हुआ। बट अब भी जो टाउन हॉल 11 का एपिसोड है मैं उस पर फोकस करता हूं। अगर माय टीम में हूं, नीचे की तरफ में 11 के अकाउंट्स थे बहुत सारे, लाइक ये आदित्य वाला अकाउंट एंड ये वाला मेरा खुद का अकाउंट। तो गाइस, आदित्य अकाउंट के अटैक्स देखिए गाइस, 99 and 98। एंड वो जैसा कि मैंने कहा, व्हेन यू थिंक यू आर प्रो देन दिस हैपेंड। तो देखिए गाइस, यहां पर मैं आपको अटैक्स दिखाता हूं टाउन हॉल 11 के, एंड एक अटैक लाइव भी अपन करेंगे विद सेम अटैक स्ट्रेटर्जी हाइब्रिड। एंड जो मेरे को बोलते हो टाउन हॉल 11 का अटैक स्ट्रेटर्जी बताओ वॉर का, तो भाई बेस्ट यही है, हाइब्रिड ट्राई करो, क्वीन वॉक अच्छी करो एंड खत्म हो जाते हैं बेसिस। तो यहां से फाइनली हमने इस वाले अटैक में क्वीन वॉक को स्टार्ट किया। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूं। यहां पर सीसी में कुछ चीजें बाहर आई, रेज स्पेल का परफेक्ट प्लेसमेंट हुआ, सीसी में से और मिनियन, सुपर मिनियन, एक विच बाहर आई, तो ज्यादा क्वीन को यहां पर डिफिकल्टी नहीं हुई। एक पॉइजन डाला, एवरीथिंग इज मैनेज्ड, क्वीन इज गोना सक्सेसफुली राइट। बट गाइस, दैट इज द प्रॉब्लम, मैंने यहां पर एक और सुपर वॉल ब्रेकर डाल दिया। मैंने सोचा किंग जाएगा, पर किंग के पीछे पीछे क्वीन भी निकल ली, तो ये हो गया एक हमारे साथ कुछ गलत सा सीन। एंड अब देखना गाइस, देयर इट इज, देख सकते हो क्वीन को मेरे को भेजना था अपर कंपार्टमेंट में, क्वीन आ गई नीचे कंपार्टमेंट में विद किंग विद स्विच बैरक के साथ में। अब मेरे को इधर से हाइब्रिड स्टार्ट करना था, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, हीलर घूमने वाली थी। अब मैंने यहां पर जोड़ लिए थे हाथ, अब मैंने बोला कि देखा जाएगा जो होगा अटैक करते हैं। एंड यहां पर गाइस सारे हो गए, माइनर की प्लेसमेंट आ गई, वार्डन आ गया, सब कुछ आ गया, सेंटर में हील स्पेल आ गई, डबल मल्टी थे, फ्रीज कर दिया ताकि ज्यादा डैमेज ना हो, किंग को टेकडाउन कर दिया, हीलर्स बहुत अच्छे से जा रहा है एंड एवरीथिंग इज गुड ऑन दिस अटैक यहां तक। बट होता है ना, जब आप खुद को ज्यादा प्रो समझ लेते हो तो कुछ ऐसी चीज होती है। एंड यहां पर वार्डन एबिलिटी दिया गया, हॉग अच्छे जा रहे, इनविजिबिलिटी स्पेल का अच्छा यूज हुआ जिससे मल्टी टेकडाउन हो गया, फिर किंग के ऊपर गए माइनर्स, किंग को टेकडाउन कर दिया, क्वीन अच्छा जा रहा था, पैक का अच्छा जा रहा था, कॉर्नर कॉर्नर घूम रहे थे, ईगल टेकडाउन कर दी। एंड इशू इज हियर गाइस, हॉग एंड माइनर जो आर्मी था मेनली वो डाई हो चुका था। अब हीलर एंड पेक्का एंड कुछ विजर्ड बचे हुए थे जो क्लियरिंग करने की ट्राई कर रहे थे, पेक्का अलग जा रहा था, क्वीन अलग जा रही थी, कुछ हीलर क्वीन पे, कुछ हीलर पेक्का पे, पेक्का को हील कर रही है, कभी वार्डन को हील कर रही है, मतलब कुछ समझ में यहां पर आ नहीं रहा था। ठीक है, एंड पेक्का निकल गया बाहर की तरफ जो अच्छी चीज हो गई, क्वीन एक अलग वॉल तोड़ रही है, वार्डन एक अलग दिशा में जा रहा है, मतलब लाइक कुल मिला के पूरी एक खिचड़ी पक गई इस वाले अटैक में। एंड एट द एंड यहां पर ये वाला अटैक नहीं हो पाया ट्रिपल, ये एक माइंड बच गया जो भी हाफ एचपी पे था, एंड यहां पर हो गया टाइम फेल। सो बैड लक 99% अटैक। एंड एक और अटैक मैं दिखाऊंगा सेम अकाउंट का गाइस, एंड यहां पर वो हुआ था 98 एंड बेस था कुछ इस तरीके का, एंड काफी स्प्रेड आउट बेस था। एंड चलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूं ये वाला अटैक, एंड इसमें भी यहां पर टाइम फेल देखने को मिला, जो कि यार एक अटैक की सबसे ज्यादा कमजोरी होती है टाइम फेल हाइब्रिड में। टाइम मैनेज आपको घर घर चलना पड़ता है, जब यार 98-99 होता है ना तो दिल से बुरा लगता है। बट वो अलग बात है कि हमने इन बेसिस को भी क्लियर कर लिया, इजी था हमारे लिए। बट स्टिल मैं आपको हमारे क्लाइंट के 3-star अटैक्स नहीं दिखा रहा, आई एम जस्ट शोइंग यू 99 अटैक। एंड भाई वो दिखाने में एक अलग मजा आता है, देखो 3-star हर एक यूट्यूबर दिखा रहा है, हम कुछ हटके करते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं 99% जो हमारे वॉर में हमारी
तरफ से बेकार होता है या फिर जो भी बैड लक होता है ना वो। एंड यहाँ पर देख सकते हो एक दो हीलर को एडिफेम ने मार दिया। एंड यहाँ पर इनविजिबिलिटी स्पेल की टाइमिंग सही नहीं थी, वो अच्छी होती तो बहुत अच्छे से निकल सकता था, बट यहाँ पर स्टिल क्वीन ने बहुत अच्छा कर लिया था। एंड यहाँ पर देखो किंग एंड सिथ बेरेक को गलत जगह डिप्लॉय किया गया, ये अटैक मैंने नहीं किया था, ये आदित्य ने किया था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ हॉग इस कंपार्टमेंट में आ गए, पेक्का को सिंगल ने मार दिया, पेक्का का वैल्यू नहीं मिला। अब बचा हाइब्रिड था, बेस था पूरा लॉन्ग टाइप का लंबा लंबा, एंड इसी वजह से ये वाला अटैक 98 पे जाके अटक गया। एंड फ्रीज वगैरह बचे हुए ज्यादा डिफेंसिव भी नहीं है, बट स्टिल दैट अटैक इज स्टक एट 98। एंड यहां पर देखो आर्चर का अच्छा यूज किया गया, अपन में चार आर्चर डाली क्लियरिंग के लिए, माइनर आर स्टिल देयर, माइनर जाकर टारगेट कर रहे हैं एक्सबोज को, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड आखिरी में गाइज यहां पर माइनर एक एक स्प्लिट कम हुए, एंड स्प्लिट थोड़े ज्यादा हो जाते थे तो और भी अच्छा होता था। एंड गाइज दैट इज द सिचुएशन, एक सेकेंड बचा है, दोनों के दोनों 1 HP है, ये ट्रिपल हो सकता था बट स्टिल नहीं हुआ ट्रिपल, बिकॉज आपको पता चल ही गया टाइम फेल 98, मतलब एक सेकंड ज्यादा होता तो ये अटैक में ट्रिपल था। तो ये दो रहे 11 की, मैंने मेनली ये 11 पे फोकस करके अटैक बनाया, बट मैं मेरा 99 भी दिखा देता हूँ आपको एज ए फास्ट फॉरवर्ड दिखा देता हूँ। ये 14 था, मैं यहाँ पर जैप लेकर के आया था, मैंने इन दो को जैप करके फिर ईडी शुरू कर दिया था। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ, क्लियरिंग ईडीज लूंस वार्डन डबल रेज किंग क्वीन एवरीथिंग गोना हियर, एंड रेज वगैरह प्लेसमेंट पीछे से आया, बेटर ब्लेम गया टाउन होल पे, रेज किया टाउन होल टेक डाउन किया, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, किंग का एबिलिटी, रॉयल चैंपियन डिड अ ग्रेट जॉब, एंड आल्सो क्वीन बाहर घूम रहा है, रॉयल चैंपियन अंदर चला गया, उसने बहुत अच्छे से डिफेंसेस को टेक डाउन कर दिए। एंड गाइस यहां पर देख सकते हो ये एक्सबो स्टिल हाफ एचपी बचा, हाफ एचपी से भी कम है, एंड क्वीन वर्सेस एक्सबो हुआ, एंड क्वीन ने वॉल तोड़ा, क्वीन गया, एंड ये यहां पर देख लो इतने से एचपी पे सरवाइव कर गया, तो एको 99 कुल मिला के वॉर भले हमने जीत लिया हो, बट जो 99 हुए ना, मैंने आपको 3 स्टार नहीं दिखा है, आई जस्ट शोड यू अ 99% अटैक्स। सो मेरे को वो चीज अच्छी लगी, आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो, मतलब कुछ हटके ट्राई किया गया है, हर बार 3 स्टार अटैक दिखाकर आप भी देखकर आप भी बोर हो चुके होंगे, एंड हम भी दिखाकर बोर हो चुके हैं कि भाई ये देखो यहाँ पर, भाई यहाँ पर 3 स्टार्स किए गए एंड अच्छे अच्छे बेसिस थे, ईडी से किया गया, ग्रेट फनल किया गया, ऐसे बेसिस को क्रश कर दिया गया, ऐसा दिखाना यार, इट्स जस्ट अ सिंपल वे। ओके, हम कुछ डिफरेंट कंटेंट लाते हैं, एंड मैं और भी आगे ट्राई करूंगा। आपके पास कुछ यूनिक आइडियाज हो जो हमारे को हमारी वीडियो में इंप्लीमेंट करने, तो आप मुझे कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए अपने आइडियाज, आई विल रीड एवरी सिंगल कमेंट, भले रिप्लाई सबके नहीं करता बट रीड सारे कमेंट्स करता हूं, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैंने आपका कमेंट नहीं पढ़ा, आप जो लिखते हो ना वो मैं पढ़ता हूं, और इंपॉर्टेंट लगता है तो रिप्लाई भी कर देता हूं, सो कमेंट जरूर से कर देना। एंड चलिए अब अपन भी एक 99% अटैक करने की ट्राई कर लेते विथ माई TH11। अबे ये मैं बोल तो दिया हूं कि 99 करने की ट्राई कर लेते हैं, पता चले सच में 99 हो गया, मतलब वीडियो एपिक लेवल पे चला जाएगा। मैं तो लाइव अटैक कर रहा हूं, अभी सर्च कर रहा हूं अपोनेंट, एंड यहां पर बहुत अमेजिंग लूट है। TH11 एक डिसेंट बेस है, नॉट ग्रेट, मतलब इजी बेस है। सो भाई इजी बोलकर बेइज्जती तो नहीं कर दी मैंने मेरी खुद की भाई बेस की, नहीं क्योंकि अभी ये 99 होगा, मैं ट्राई करता हूं 99 अटैक करने की, हो जाए तो बेटर है, ऐसे नहीं जान मुझ के 99 नहीं करेंगे, पूरा प्रॉपर अटैक करेंगे फिर 99 होता है तो फिर ठीक है, ठीक है। सो यहां पर ये आएगा, यहां पर ये आएगा, किंग क्वीन लड़ लो मर लो, जो करना है कर लो, राइम हो गया बे। क्वीन गो इनसाइड द बेस, क्वीन तो जा रहा है सही, ठीक है क्वीन तो जा रहा है सही, बट अभी आगे आगे देखते होता है क्या। ये क्वीन नहीं जाएगा अब इस साइड, अब क्वीन एक एक तरफ निकल लेगा, अरे एयर डिफेंस पे आ गया, ओह माय गॉड इट्स अ ग्रेट थिंग, मेरे को यहीं लाना था क्वीन को, क्वीन चली गई भाई, क्वीन ने बात मान ली, क्वीन IQ 200, बट जब क्वीन बात नहीं मानती ना तब भाई दिल से बुरा लगता है। अब एक रेज स्पेल प्लेसमेंट करने की जरूरत है, पेक्का निकल आया सीसी से, हमने यहां पर पॉइजन कर लिया पेक्का को, ओके जायंट वगैरह को मार लिए, क्वीन यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना कर दे पेक्का, ओ वन हिट एंड डन। क्वीन को एक और रेज की जरूरत पड़ेगी, रेज कर लेते हैं, यहाँ पर किंग एंड सिज बेरेक एंड डबल विजर्ड वगैरह डिप्लॉय कर लो फटाफट से, मेरे को वो क्लियरिंग करनी है, एंड उस जगह से अपन हाइब्रिड को स्टार्ट कर देंगे। टाउन हॉल इजिली क्वीन ने टेक डाउन कर दिया, क्वीन डिड अ ग्रेट जॉब, क्वीन पे 3 एक्सबोज टारगेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वीन अपना काम कर रही है, करती रहेगी। एक और रेज स्पेल का डिप्लॉयमेंट यहां पर हम कर लेते हैं, किंग का एबिलिटी यूज हो गया, अब यहां से हॉग माइनर पाथिंग स्टार्ट करेंगे, हॉग एंड माइनर एंड ग्रैंड वार्डन,
एवरीथिंग इज डिप्लॉयड, क्वीन अपनी अलग मौज में, यहाँ अपन एक हील स्पेल का यूज कर लेंगे जिससे किंग भी हील हो जाएगा। ग्रैंड वार्डन सही पाथिंग पे जा रहा है, क्वीन अपने अलग निकल ही ली है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। देखते 99 होता है क्या, टाउन हॉल वगैरह ऑलरेडी टेकडाउन हो चुका है, अब बचा अपने पास एक हील दो फ्रीज, एंड देखते उनको अपन कहाँ कहाँ डिप्लॉय करेंगे। एंड यहाँ पर मेरे को लगता है अपन को एक हील स्पेल को इन्वेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि दो एक्सपोज टारगेट करके रखिए, किंग अभी तक अलाइव है एंड अटैक इज गोइंग डिसेंटली गुड, कोई अटैक में इशू नहीं है, ग्रैंड वार्डन एबिलिटी बचा हुआ है, दो दो फ्रीजेस बचे हुए, फ्रीज कर लेते हैं इस वाले कंपार्टमेंट को, ग्रैंड वार्डन का एबिलिटी को मैं पॉपअप कर लेता हूँ, जाइंट बॉम्ब वगैरह आई गए, एक और फिर डाल लेते विजर्ड टावर पे, क्वीन वॉक अपना बहुत अच्छे से हैपन हो रहा है, बहुत अच्छे से गया, बहुत अच्छा वैल्यू दिया, एंड एट द एंड दैट अटैक इज गोइंग टू बी अ ट्रिपल। एंड आप पूछते फार्मिंग के लिए कौन सा अटैक स्ट्रेटजी यूज करते हो ऑन TH11, तो बाई डेफिनेटली आई एम यूजिंग माई हाइब्रिड कॉम्बो क्योंकि इसमें डार्क बैलेंस है, इलिक्सर बैलेंस है, तो बहुत अच्छा फार्मिंग आपको करके देता है एंड काफी अच्छा लूट आप इससे गेन कर सकते हो, सो यूज हाइब्रिड इट योर ऑन योर टाउन हॉल 11 अकाउंट। सो ये था कुछ अपना टाउन हॉल 11 का एपिसोड, एंड यहाँ पर अपना इलिक्सर भी फुल कर लिया अपन ने, गोल्ड भी अपने पास काफी अच्छा खासा है, एंड यहाँ एक घंटा बचा है तो मैं इसको तो जैम कर दूंगा। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो लैब में सारे इलिक्सर ट्रूप मैक्स हो चुके हैं, एंड अब बचा है केवल और केवल इनविजिबिलिटी स्पेल जिसको मैं लेवल 2 के लिए लगा दूंगा, एंड उसके बाद डार्क के जो बचे वो अपन कर लेंगे, वो एक अलग मैटर है। एंड यहाँ से थोड़ा और इलिक्सर कलेक्ट कर लेते हैं, एंड अब गोल्ड से अपन क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, विजर्ड टावर डेफिनेटली आई एम गोइंग विद विजर्ड टावर, एक अपन विजर्ड टावर अपग्रेड पे डाल देंगे, अब अपने पास गोल्ड भी नहीं बचा। एंड गाइस यहाँ हीरोज तो मैं मैक्स कर चुका हूँ, एवरीथिंग इज डन, तो ये अपना रोड टू मैक्स टाउन हॉल 11 का भी एक टाइप ऑफ एपिसोड हो गया। कैसा आपको वीडियो लगा लाइक जरूर से कर बताना, लाइक एम रखते 150 का, आई होप आप सब मिलकर 150 लाइक्स कराने में मदद करोगे, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और अब मैं डेली वीडियो शूट करने का ट्राई करने वाला हूँ, रेगुलर अब आपको वीडियोज मिलने वाली है, जैसा कि अभी इनएक्टिव हो गई थी वीडियोज, बट नाउ वीडियोज आएगी डेली, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते अगले एपिसोड में, क्लैश ऑन नेक्स्ट डे, क्लैश, आई लव यू ऑल।